अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाट आर यू गाइज डूइंग इन टर्म्स ऑफ जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं कि सो सनी अली इज़ डूइंग अमेजोन एफ बी ए नो देर आर मल्टीपल प्लेयर्स जो कि बड़े विजन के साथ आए हैं कि जी हमने कम अज़ कम एक लाख बंदा बनाना है जो कि अमेज़ॉन पे कर रहा हो पूरी यू नो हम ग्रोइंग आप हमने देखा था कि बी पी ओ को इंडियंस ने बहुत एक्टिवली लिया था और बड़ा सक्सेसफुल फेली सक्सेसफुल भी रहा तो ड्यू थिंक ये जो ई कामर्स वाली साइड है इसके ऊपर पाकिस्तानी इसकेचुअली मेक अक अ रियल इम्पैक्ट ग्लोबल इंडस्ट्री पाकसनीज हैज़ स्टार्टड मेकिंग इम्पैक्ट राइट यानी कि अब कहते हैं पाकिस्तान को जाना जा रहा है uh, अभी आपने कहते हैं नाम लिया हसनी uh, अली का ही इज़ एल आए तो ओबियसली मैं हसनी भाई कहता हूँ उन्हें सनी भाई उन्होंने कहते हैं एक uh, बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट um, um, किया है साके बज़र उन्होंने एक कहते हैं बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है और भी कहते हैं प्लेयर्स हैं आ, उस्मान ई कॉमर्स वाला हैं फिर आ, रिहान अल्लाह वाला हैं जो बेसिकली एक कैटलिस्ट हैं <laughs> जो इन सबको ना कहते हैं चार्ज कर देते हैं कि भाई आप लोग इस तरह की के, कहते हैं आ, एक, एक्टिविटी करें आ, हो सकता है कि जब मैं ये मैंने इनके कहते हैं नाम लिए उजैफा अली हैं और भी हैं से लोग हो सकता है कि जब मैंने अभी इनके कहते नाम लिए हैं तो जो व्यूअर्स हैं वो ये सोचें कि यार ये अपने कंपेटेटर्स के नाम क्यों ले रहे हैं एक्चुअली एम्पावर्स का ना बेसिकली जो पैराडाइम है वो कुछ और है हम इन सबको समझते हैं कि दे आर आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स राइट हमारा बेसिकली थिंकिंग ये है कि हमने एक एम्पावर्ड पाकिस्तान बनाना है दो के हमें अपना बिजनेस भी करना है हमें सारी चीज़ें करनी है बट हमारा मिशन यह है कि एक एम्पावर्ड पाकिस्तान हमने बनाना है तो ये सब लोग चूंकि एम्पावर्ड पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं हाँ ठीक है वो अपना बिजनेस भी भी कर रहे हैं वो बिजनेस नहीं करेंगे तो वो कैसे आगे चलेंगे उन्होंने ऑपरेशन चलाने सारी चीज़ें करनी है उन्होंने और वो लोग के जो सीखने के लिए आते हैं और कहते हैं यार आप एक एम्पावर्ड uh, पाकिस्तान बना रहे हैं तो ये आप हमसे से कहते हैं फीस क्यों ले रहे हैं तो भाई तुमने सीख के क्या करना है तुमने भी तो पैसे कमाने हैं ना यार तो एज अ पाकिस्तानी ये माइंड चेंज करने की ज़रूरत है कि जो आप फी वो इन लोगों को दे रहे होते हैं बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर रहे होते हैं तो ये सब लोग कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं ये है। सब लोग कहते हैं एक अच्छा काम करें और जिस आ, मैं आ, आप कह लें कि स्पीड के साथ ये लोग जा रहे हैं तो आई एम श्योर कि 2025 तक इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बहुत अच्छा ग्लोबल इंपैक्ट इंशाल्लाह कहते हैं क्रिएट करने जा रहा है अब आप देखें कि एम्पावर्स को अभी सवा डेढ़ साल हुआ है अभी ट्वेंटी ट्वेंटी वन अ हमने एक अरब सात करोड़ छियासठ लाख रुपए की आ, सेल्स हमारे स्टूडेंट्स ने या हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं जो चीज़ें जिन पे हमने उन्हें एम्पावर किया उसके थ्रू उन्होंने माशाला से इतने की सेल्स जनरेट किए हैं उन्होंने right. राइट तो एक अरब छः करोड़ सतर लाख अगर एम्पावर्स के इस प्लेटफॉर्म ने की हैं तो ये लोग तो एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट कहते हैं क्रिएट कर रहे होंगे right. और अब हम इंशाल्लाह इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं फास्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह और एक और चीज़ है कि पोटेंशियल है हमारे लोगों में सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाना है सिर्फ़ उनको ना कहते हैं कंधे के ऊपर हाथ रखना है अब हमारे पास बीस यो केसेज इस तरह के हैं कि एक बंदा मोटिवेट होकर आया पहले एक दो महीने यानी कि पास आउट होने के बाद पहले एक दो महीने कुछ भी नहीं किया उसने क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था वो बस ग्रुप में थोड़े एक्टिव रहे ग्रुप में आते रहते थे जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसमें और आ, उन्होंने किसी और की की सक्सेस स्टोरी देखी कि इसने इतने सौ डॉलर बना लिए इसने इतने हज़ार डॉलर बना लिए फिर उन्हें एकदम से मोटिवेशन आ गई फिर वो दोबारा यानी कि ना वो छोड़ा नहीं लगे रहे तो जो बंदा लगा रहेगा ही विल अर्न ही विल अर्न राइट तो आ, ये इस तरह के तो हमारे सामने यार बीसों केसेज हैं